तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जो कि मर्डर इंसाइक्लोपीडिया की किताब पढ़ा होता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में हर वक्त बस किलिंग के ख्यालात घूम रहे होते हैं। जैसे कि क्लासरूम में ही मौजूद एक लड़का बातें करते करते अनजाने में हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है, जो देख के भी हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसी गुस्से से तपते हुए अब उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, तो सारी वो अपना कटर निकाल के उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। हमें बाद में मालूम पड़ता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन करेक्टर का ख्याल होता है। फिर वो यहाँ पे अपने आप को रोकने लगता है, नहीं नहीं ये अब मुनासिब वक्त नहीं है। तरफ तो वो अपने आप को रोक लेता है कि तभी उसकी किलिंग इंस्टेंट उस पे बाड़ी पड़ने लगती है और उसका ध्यान क्लासरूम की एक लड़की पे जाता है। मेन कैरेक्टर उससे कूदते हुए कहने लगता है, सबसे ज्यादा बेदर्दी से मैं इसकी जान को नोचना चाहता हूँ, क्योंकि एक मैगजीन मॉडल के साथ ही साथ पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की है। हमारा मेन कैरेक्टर जो जो उससे अपनी कातलाना निगाह से घूरा होता है। इसे महसूस करने के बाद यमदा भी जो जो उसकी तरफ अपनी नजरें फेरती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करते हुए फौरन से अपनी नजरें झुका देता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है जैसे कि यमदा उससे काफी हल्के में ले रही है, जिसे महसूस करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहीं पे वो दिल में थाम लेता है कि वो तो उसकी जान लेके ही रहेगा और उसकी लाश भी काफी ज्यादा प्यारी लगेगी जो कि सिर्फ उसके कातिल के हाथ में जाएगी। हर अंधेरी रात में यही सोचता रहता हूँ और इसी बात को लेकर खुद से नफरत करता हूँ। मेरा भेजा वाकई में खराब हो चुका है। ब्रेक के वक्त में हमारा मेन करेक्टर क्लासरूम को छोड़ के जाने लगता है, ये सोचते हुए कि ब्रेक के बाद क्लासरूम में काफी ज्यादा शोर शराबा होता है। एक जगह में काफी ज्यादा सकून होता है। कहते हुए वो जूं जूं ही लाइब्रेरी में एंटर करता है, वो यहाँ पे यमदा को खाते हुए पाता है। खैर यार फिर भी हमारा मेन करेक्टर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने ही लगता है। यमदा का मुंह खाने से बड़ा होता है, फिर भी वो कुछ कहने लगती है उससे। सिंस के यमदा का मुंह खाने से बड़ा पड़ा होता है कि एक का कभी हमारे मेन करेक्टर को समझ में नहीं आती। वो उस पे वैसे ही कहने लगता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जिस सुनने के बाद यमदा खाने को निकलते हुए खुद से कहने लगती है, शुक्र है। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर को जरा भी समझ में नहीं आई होती। अभी यमदा उसे छुपके से बुक शेल्फ के पीछे से देखने लगता है, सोचते हुए कि यही उसके पास सुनहरा मौका है यमदा की जान लेने के लिए। लंच करने के बावजूद भी यमदा चिप्स का फैमिली पैक खोल के खाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे काफी अजीब तरीके से खाता और मुस्कुराता देख के काफी हैरान होता। सबके बाद यमदा प्रेजेंटेशन पे काम शुरू कर डालती है, जहाँ पे वो बिना पेंसिल का यूज किया काफी रफली तरीके से काम कर रही होती है। फिर यहीं पे यमदा को बॉक्स कटर की जरूरत पड़ने लगती है। ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने कटर को देखते हुए कहने लगता है, क्या होगा अगर मैं उससे कटर देने चले जाऊँ। तो ख्याल आने लगता है कि शायद से यमदा डर ही ना जाए। और फिर यमदा को यूं पागलों की तरह हाथ से चीजें वगैरह फाड़ता देख के हमारा मेन कैरेक्टर बिना मजीद और वक्त गवाए बगैर उससे फौरन से जाके वो कटर दे देता। इस पर यमदा उससे काफी खुश होते हुए कहने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया। बस इसी में हमारे मेन कैरेक्टर की दाल गल जाती है। देखते देखते बेल रिंग होने की आवाज सुनाई देती है, इसी वजह से यमदा उसके कटर को अपने साथ ही ले जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे अपना कटर वापस लेने आ रहा होता है कि उतने में यमदा की दोस्त उसके सामने आते हुए कहने लगती है, यमदा तुम जरूर छुपके से स्नैक वगैरह खा रही होगी। पलटा यमदा हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस करने के बाद वो चिप्स का पैकेट उससे दे देती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता, क्या ये मेरे लिए है। हालांकि यमदा उसमें चिप्स देख के उसके हाथ से चीनते हुए कहने लगती है, एक मिनट। ये कहते हुए वो पूरा चिप्स का पैकेट खाली करके अब उसे दे देती और उसे कहती है, डस्टबिन में फेंक दो। टाइम चीटिंग करती है, जबकि हमारा थर्ड की मेन कैरेक्टर अब उससे खेलिंग करना तो भूल ही क्या होता और अब इन्हीं फजूल हरकतों में एक दिन कट जाता है। अब अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर जब स्कूल आता है, वो अपने बॉक्स कटर को अपने टेबल पे ही पाता है। सब में हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉक्स कटर को उठाने को जा रहा होता है, अभी उसे इस बात का एहसास होता है कि यार ये बॉक्स कटर काफी गर्म सा है। इसका मतलब यमदा जब स्कूल आ रही थी तो उसने हाथ में ही पकड़ा हुआ था ताकि वो भूले नहीं। देखते देखते सर यहाँ पे आके कहने लगते हैं, सारे लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करो। यहीं पे यमदा की दोस्त उससे बताने लगती है कि उसने तुम्हारी प्रेजेंटेशन को हटा दिया क्योंकि उसमें काफी गंद वगैरह लगा हुआ था। इस पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि यमदा ने इतनी मेहनत की थी। वो नोटिस करता उसकी दोस्त उससे कहने लगती है, हमारी प्रेजेंटेशन इतनी गंदी थी कि यहाँ तक चॉकलेट का गंद भी उस पर लगा हुआ था। सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता, अब कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर यार हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है जब यमदा की पार्टी अपना लेक्चर डिलीवर करी होती है, यमदा यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है कि उसकी प्रेजेंटेशन का यूज नहीं किया जा रहा। अब जब कि हमारे मेन कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, वो यहाँ तक इसी में नोटिस भी करता है कि यमदा इस वजह से रो रही भी है। यूं एक लड़का बाहर विंडो की तरफ सबका ध्यान करवाते हुए कहने लगता है,
ओए ये हेलीकॉप्टर इतना डिफरेंट क्यों है? और यामादा बेसिकली विंडो की साइड पे ही बैठी हुई होती है, पर से अब वो रोडी भी होती है, तो पूरी की पूरी क्लास का ध्यान उसी विंडो की तरफ जाने लगता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, ओए अब ये सारे लोग यामादा को रोते हुए देखेंगे, मुझे कुछ करना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? और फिर इसी में हमारा मेन कैरेक्टर अपना बॉक्स कटर निकाल के उल्टा अपनी प्रेजेंटेशन को ही फाड़ डालता है, और इसी वजह से पूरी की पूरी क्लास का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पे होता है। कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? यामादा अब तुम खुशी से रो सकती हो। पर उल्टा यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है, यहीं पे यामादा उस अजीब से हेलीकॉप्टर को देख के सबसे ज्यादा खुश हो रही होती है, तब पे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमें क्लासरूम के एक और सीन में दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे बैठे कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यामादा आखिर कितनी ज्यादा प्यारी दिखती है। उन्हीं लोगों में वहाँ पे एक और शख्स भी कहने लगता है, वैसे तो मुझे यामादा की तरह की लड़कियाँ पसंद नहीं, मुझे हारा की तरह की लड़कियाँ पसंद है। जो देख के उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा थड़की है। और सी में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो ही दोबारा से लाइब्रेरी में एंटर करता है, एज यूजुअल इस बार फिर से वो यामादा को पाता है। यार हमारा मेन कैरेक्टर जो जो ही लाइब्रेरी के पीछे जाता है उतने में वहाँ पे हारा भी आ जाती है। हालांकि हारा को उसी शख्स ने बुलाया होता है जो कि पिछले सीन में कह रहा होता है कि वो हारा को पसंद करता है, और उतने में वो लड़का भी यहाँ पे एंटर करता है जिसने हारा को बुलाया होता है। इसका नाम होता है कांजाकी। उसके पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ ये देख रहा होता है और सुन रहा होता है। इसी में हमारे मेन कैरेक्टर से एक किताब जमीन पे गिर जाती है। अब कांजाकी कहने लगता है, क्या हमारे अलावा भी कोई और यहाँ पे मौजूद है? तो इन सब पे यामादा बहाना बनाते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं जरूर बिल्ली होगी। यामादा बार बार गले को साफ करने की आवाजें निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ये सिग्नल देने की कोशिश कर रही होती है, अरे पागल जल्दी से बिल्ली की आवाजें निकाल। थोड़ी देर में हमारा मेन कैरेक्टर भी ये समझ आता है और वो जो ही बिल्ली की आवाजें निकालता है, तभी यामादा कहने लगती है, वैसे तुम दोनों यहीं पे बैठो, मैं देख के आती हूँ। के बाद बुक शेल्फ के पीछे जाने के बाद यामादा उल्टा खुद भी बिल्ली की आवाजें निकालने लगती है। इसी दौरान हारो फिर कहने लगती है, मेरे ख्याल में दो बिल्लियां हैं, आपस में इनकी लड़ाई हो रही है। पर अपने कान ठहराने के बाद यामादा हमारे मेन कैरेक्टर को इशारों से कहने लगती है, हाँ अब तो सुनहरा मौका है, तुम भी आवाजें निकालो। इसके बाद दोनों बिल्ली की आवाजें निकालने लगती है जैसे कि दोनों की लड़ाई हो रही हो। सब पे कांजाकी और हारो अब हंसने लगते हैं। फिर इसी तरह दोनों को एक टॉपिक मिल जाता और वो हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए यहाँ से चले जाते। फिर कल लौटते दौरान हमारा मेन कैरेक्टर दिल्ली दिल में सोच रहा होता है, आखिर यामादा और मेरा हर बाड़ी पे रास्ता क्यों आमने सामने हो रहा होता है। तब में हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े वगैरह बदल के एक बुक स्टोर में एंटर करता है। जैसे कि यामादा एक मैगजीन मॉडल होती है, इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसी के नाम की मैगजीन ढूंढ रहा होता है। देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे यामादा को भी नोटिस करता है। इसे देखते सारे वो फौरन से छुप जाता है, और यहाँ पे यामादा इस बात का अंदाजा लगाने आई होती है आखिर वो कितनी ज्यादा फेमस है, क्या कोई उसे जानता भी है या नहीं। पर हालांकि कोई भी उसे पहचानना ना होता। आखिर तक कुछ देखने के बाद यामादा भी काफी मायूसी से यहाँ से चली जाती। और अब उसके चले जाने के बाद यामादा ये डिसाइड करता है कि वो उसका मैगजीन खरीदेगा, क्योंकि उसने बिल्ली की आवाजें निकालने में उसकी काफी मदद की होती है। सीन रात की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यामादा की मैगजीन घर बैठ के देख रहा होता है। वो मैगजीन में यामादा की कम्प्लीटली दूसरी पर्सनैलिटी देखता है। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर गुस्से में आके उस मैगजीन को डस्टबिन में फेंक डालता है, क्योंकि उससे इस बात का अंदाजा तो हो ही जाता है यामादा और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। और उसे याद आने लगता है यामादा हर काम में उससे ज्यादा बेहतर है, तो उसका जर्रा भी चांस नहीं है कि वो यामादा के करीब भी आ सकता है। एक बार फिर से एक नई दिन की शुरुआत होती है। तरी हमारा मेन कैरेक्टर साइकिल पे बैठ के स्कूल जब जा रहा होता है, इसी में उसका ध्यान यामादा के साथ एक अनजान लड़के पे पड़ता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर धीरे कदमों से उनके पीछे आने लगता है और वो इस तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है उनके पीछे, और वो भी उनकी तरह स्कूल जा रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है बंदा जो भी है, मगर ये यामादा के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहा है। फिर बाद में वो यहाँ तक यामादा के पीछे ही पड़ जाता है कि उससे किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे करे। अब तंग आके यामादा उसे ऐड करने को ही जा रही होती है। ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा चुभने लगती है। यहाँ पे खुद को समझाने भी लगता है कि वो लड़की तुमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे भी मेरा दिमाग तो शुरू से ही खराब रहता है। ये कहने की देर होती है हमारे मेन कैरेक्टर का जिस्म अपने आप ही काम करने लगता है। फौरन से अपनी साइकिल को चढ़ाई से नीचे फेंकता है, और इसी तरह वो साइकिल जाते जाते सीधा रिवर में गिर जाती है। और इसी बात से उन सब का ध्यान उसी साइकिल पे पड़ता है और सारे के सारे लोग उसके आसपास जमा होने लगते हैं। सब में यामादा की दोस्त जी भी वहां पे पहुंच जाती है। वो यहां पे कहने लगती है, किसी वजह से इसने अपनी साइकिल पानी में फेंक दी। जो सब सुनने के बाद यामादा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, भाई मैं तो रोकना चाह रहा था लेकिन गलती से मुझसे चली गई। जो सुनने के बाद यामादा जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए कहने लगती है, इची कवा
तुम काफी ज्यादा फनी हो। हाँ यार, यामादा से हमें मालूम पड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ईगा गोरी, और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।